हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर है जिनका सवाल है कि सर कंट्रोल सोर्स नहीं आ रहा है जबकि हम एक्सेस में जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, ये टेबल बनाने के लिए है। अगर आप व्यू पे जाएंगे तो आपको दो व्यू दिखाई पड़ते हैं, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। यहां पर आपको ना तो डेटा शीट व्यू में जाना है ना तो डिजाइन व्यू में जाना है, ठीक है। आपको सीधा कहां चला जाना है, क्रिएट पे आ जाना है, और क्रिएट पे आने के बाद डायरेक्टली आपको फॉर्म बनाना है या क्वेरी बनानी होगी, ठीक है। तो अभी ना तो टेबल बनाया ना तो क्वेरी बनाई, तो इसको हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। और हम सीधा डायरेक्टली ब्लैंक फॉर्म पे चलेंगे। ये जो ब्लैंक फॉर्म दिख रहा है या फॉर्म डिजाइन दिख रहा है, तो यहां पे आप जा सकते हैं। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इस तरह का सिनेरियो नजर आएगा, दिख रहा है सिनेरियो, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एक एक करके हमें चीजें बनानी है। तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आ जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ इसको ड्रैग करवाइए इस तरीके से। ये ड्रैग करवा दिया, आपको ना कोई क्वेरी बनानी है ना टेबल बनाना है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टली मैं फॉर्म में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और टेबल में भी आप काम करेंगे तो कंट्रोल सोर्स आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन जब फॉर्म बनाएंगे उसी वक्त ये कंट्रोल सोर्स आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और दिखाई भी कब पड़ेगा वो भी बताता हूँ। देखिए, अभी नॉर्मली अगर मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया तो यहाँ पर कोई भी ये कंट्रोल सोर्स आपको अभी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कंट्रोल सोर्स इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लेवल पे नहीं लेके जाना है कर्सर को, तो ये हटा दीजिए यहां से। यहां पर कर देता हूं नेम ऑफ आइटम, ठीक है। तो ये लिख दिया नेम ऑफ आइटम, यहां पे लिख दिया नेम ऑफ आइटम। आप चाहे तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहां से जा करके ये यहां पे जाइएगा तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये बड़ा छोटा जो भी करना है ये हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन में आ गया। अब यहां से इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया। अब ये हो गया नेम ऑफ आइटम। अब यहां पर जब जाएंगे तो ये आपको दिखेगा कंट्रोल सोर्स, ठीक है। आपको इसको हटाना है, ये जो टेक्स्ट जीरो लिखा हुआ है इसका नेम, इसको हटा दीजिए, नेम ऑफ आइटम कर दीजिए यहां पर भी, ठीक है। कैलकुलेशन से संबंधित दिक्कतें ना हो आगे चल करके, तो इसीलिए मैं इसको नेम ऑफ आइटम कर रहा हूं, क्योंकि हमने इसका लेबल भी नेम ऑफ आइटम दे रखा है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब ये नीचे आपको कंट्रोल सोर्स नजर आ रहा है, फिलहाल अभी हमें कोई कैलकुलेट तो नहीं करना है। फिर चलते हैं इसी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया। अब यहां पर इसको फिर से ड्रैग करवाते हैं, ये ड्रैग करवा दिया। ड्रैग करवाने के बाद करना क्या है, इसका नाम पहले चेंज करना है, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो यहां पे हमको सिंपली देना है प्राइस। तो आपको यहां पे चले जाना है प्रॉपर्टी शीट पर, और यहां पे जाकर के ये टेक्स्ट टू जो आ रहा है इसको हटा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए प्राइस, सिंपली प्राइस लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। यहां पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको कैलकुलेशन से संबंधित दिक्कतें ना आए, तो यहां पर भी लिख दीजिए प्राइस, ठीक है। ये लिख दिया प्राइस, दोनों ही में प्राइस हो चुका है। अगर आप फॉर्मेट बदलना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉर्मेट। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं, आप चाहे तो करेंसी फॉर्मेट यहाँ भी रख सकते हैं, तो ये करेंसी फॉर्मेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इतना होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे यूनिट डालनी है। तो यूनिट के लिए आपको फिर से यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा और यहाँ पे ड्रैग करवाना होगा, तो इस तरीके से आप ड्रैग करवा लीजिए, ठीक है। ये ड्रैग करवाया, अब ये ड्रैग करवाया तो यहाँ पे टेक्स्ट 4 आ गया। तो अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करके, और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट 4 को हटाने वाला हूँ, तो हमें कैप्शन में जा करके और ये टेक्स्ट 4 हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे कर देना यूनिट, UNIT, यूनिट कर दिया। और यहाँ पर आएंगे तो कंट्रोल सोर्स विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना तभी कंट्रोल सोर्स विजिबल होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तभी कंट्रोल सोर्स विजिबल होगा। तो यहाँ कंट्रोल सोर्स नजर आ रहा है, यहाँ पर इसको चेंज करना है हमें यूनिट पे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं UNIT यूनिट। तो बस आपको इसी तरीके से यूनिट लिख देना है, काम हो जाएगा आपका। और अगर आप चाहते हैं कि इसका भी हम कुछ फॉर्मेट बदलें तो आप इसका भी फॉर्मेट बदल सकते हैं यहाँ पे जा करके। और देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है डेसिमल प्लेसेस, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस ऑटो दिखा रहा है। आप चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, 2 या 3 प्लेसेस तक डेसिमल में वैल्यूज एक्सेप्ट करना चाहें तो यहाँ पे 3 दे दीजिए, दे दिया। बाकी सारी चीजें वैसे ही रखी हैं हमने, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हमको करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे जा करके इसको ड्रैग करवाइए। ये ड्रैग करवा दिया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको टोटल करना है, ठीक है, टोटल करना है। तो इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट 7 इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टोटल प्राइस, ठीक है। तो ये टोटल प्राइस हो जाएगा आपका, और टोटल प्राइस लिखने के बाद यहाँ कंट्रोल सोर्स पे आके इसको भी चेंज कर दीजिए। कंट्रोल सोर्स ये है और यहाँ पे ऊपर आ रहा है नेम, तो नेम आपको चेंज करना है। यहाँ पे कर दीजिए टोटल प्राइस, तो बस आपको यही लिखना है टोटल प्राइस।
तो जैसे ही टोटल प्राइस लिखेंगे तो यहां पर आपको तभी ध्यान आएगा कि यहां पे करेंसी डेटा टाइप होना चाहिए, तो यहां से जाकर के इसको करेंसी डेटा टाइप बना दीजिए। इसको करेंसी डेटा टाइप बना दिया, काम हो गया आपका। अगर आपको इतनी ही चीजें रखनी है तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोर्स पे जाके, ठीक है। तो कंट्रोल सोर्स पे जाइएगा तो ये क्लिक कीजिएगा यहां पे, तो थ्री डॉट्स आपको नजर आ जाएंगी। कई लोगों का ये भी कहना है कि थ्री डॉट्स नहीं नजर आ रही हैं, तो ये अनबाउंड को जब सेलेक्ट कीजिएगा ना तब थ्री डॉट्स नजर आएंगी यहां पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये क्लिक किया, अब ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, अब देखिए यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ये लिख दीजिए प्राइस इनटू यूनिट। तो जैसे ही प्राइस इनटू यूनिट लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया और यहां से ओके कर दीजिए और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो अब व्यू पे क्लिक कर दिया, अब आपका काम हो गया है। अब यहां पर अगर आप कीबोर्ड डालते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा मैंने के ई, यहां पे कीबोर्ड लिख दिया और यहां पर आएंगे तो यहां पे प्राइस, तो मान लीजिए 400 रुपया प्राइस रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए चार कीबोर्ड, तो यहां पे देखिए टोटल प्राइस अपने आप कैलकुलेट होकर आ रही है।